नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है बत्ती जलाओ। और आज हम आपके साथ बात करेंगे जहां पे हमने नोटिस किया कि थोड़ी नॉलेज की डार्कनेस है, नॉलेज की कमी है, वहां अंधेरा है, बत्ती जलाने की जरूरत है। क्योंकि आपके घर में फटाफट रखा खाना गर्म करके खाने लायक बनाने वाला माइक्रोवेव लंबे समय में क्या कुछ बीमारियां दे सकता है, क्या कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है, इसी पर खास बातचीत होगी। और आप भी शो का हिस्सा होंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेहत से खिलवाड़ है माइक्रोवेव का इस्तेमाल। ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को कर सकता है इफेक्ट घातक, और जानलेवा है माइक्रोवेव का साइड इफेक्ट। माइक्रोवेव खाना जल्दी तो बनाता है, साथ ही बीमार भी कर जाता है। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। समझ गए होंगे आप। और ये बात प्रूफ करने के लिए और सही तथ्य आपके सामने लाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत बेनीवाल, जो फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। आप भी हमारे शो से जुड़ सकते हैं, आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैं भी बता देती हूँ, नंबर है हमारा 01207153687, नंबर है 01207153826। तो इस नंबर के जरिए आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और आपका हक है जानना। क्योंकि अंधेरा है, डार्कनेस है, हम फटाफट चीजों को गर्म करके खा तो लेते हैं, लेकिन ये फटाफट चीजें हमारी कहीं आदत में अगर चुमार हो गई तो हमें कैसे इसके ड्रॉबैक्स यानी जो परेशानियां हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर माइक्रोवेव जो हमारे लाइफ को इतना आसान बना रहा है, सुविधाजनक है, इजीली चीजें गर्म कर लेती हैं, लेकिन इजीली हमें बीमार भी कर सकता है, कैसे जानेंगे पहले छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। मौजूदा समय में ज्यादातर लोगों के किचन में माइक्रोवेव का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हो भी क्यों ना, माइक्रोवेव है ही ऐसा कमाल का प्रोडक्ट जो टाइम और मेहनत दोनों की बचत करता है। आप इसमें खाना बना सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, और यहाँ तक कि पिक्चर देखते हुए पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। आपको बस एक बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि बाकी का काम वो खुद ब खुद हो जाएगा। खास तौर पर ये बैचलर्स, वर्किंग कपल्स और घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए तो और भी उपयोगी है, जिनके पास टाइम की कमी है। हालांकि इन सुविधाओं की एक कीमत होती है, और कभी कभी इसकी कीमत हमारी जान भी हो सकती है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि माइक्रोवेव में खाना बनाना या गर्म करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो माइक्रोवेव में खाना बनाने या गर्म करने से उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। माइक्रोवेव हाई रेडिएशन से खाने को गर्म करता है, जिससे खाने में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे खाने में खतरनाक रेडियो एक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं। ज्यादातर रिसर्च में कहा गया है कि माइक्रोवेव में बना खाना हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कई बार तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि इसका सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। अगर कोई लंबे समय तक माइक्रोवेव में पके या गर्म किए हुए खाने को खाता है तो उसका शरीर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संपर्क में आता है। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से कुछ लोगों को हाई बीपी भी हो गया। माइक्रोवेव के लगातार इस्तेमाल से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल माइक्रोवेव में बने फूड आइटम्स में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम का काम कमजोर पड़ जाता है, परिणाम स्वरूप कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोवेव किए गए खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से व्यक्ति के ब्लड में कैंसर कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जब कभी प्लास्टिक के बर्तनों में माइक्रोवेव में खाना बनाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो प्लास्टिक के बर्तनों से टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि विषाक्त पदार्थ निकलते हैं, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। विटामिन B12 की कमी। रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन रिच डाइट को माइक्रोवेव में गर्म करने से इसमें मौजूद विटामिन B12 की मात्रा कम हो जाती है। पैकेज मदर्स मिल्क के लिए नुकसानदायक। माँ का सुरक्षित दूध माइक्रोवेव में गर्म करने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
साथ ही माँ के दूध में जो बैक्टीरिया से लड़ने वाले तत्व मौजूद होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ब्लड कंपोजिशन में हो सकता है परिवर्तन। माइक्रोवेव के कारण कभी कभार ब्लड कंपोजिशन में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, माइक्रोवेव में गर्म किए गए दूध और सब्जियों से रेड ब्लड सेल्स की मात्रा घट जाती है और व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ता है। इस तरह माइक्रोवेव शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दिल पर बुरा असर। आपको बता दें कि माइक्रोवेव के कारण आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है। माइक्रोवेव से रेडिएशन एमिट होते हैं जो दिल पर बुरा असर करते हैं। तो अगर आपको असामान्य धड़कन या सीने में दर्द की समस्या होने लगे तो आपको माइक्रोवेव में खाना बनाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि माइक्रोवेव के नुकसान तो जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस बेहतरीन आविष्कार का इस्तेमाल ही ना करें। आप माइक्रोवेव को अपने किचन में जरूर जगह दे सकते हैं, लेकिन इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। बच्चों का खाना माइक्रोवेव में ना तो बनाएं और ना ही गर्म करें। माइक्रोवेव में खाना बनाते या गर्म करते वक्त उसे बीच बीच में अच्छी तरह चम्मच से हिलाएं। तय समय से ज्यादा ना तो खाना गर्म करें और ना ही बनाएं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल प्रोसेस्ड मीट या स्नैक्स को गर्म करने के बजाय सब्जियां बनाने के लिए करें। माइक्रोवेव में ब्रेस्ट मिल्क गर्म ना करें। पानी या अन्य तरल पदार्थों को ज्यादा समय तक माइक्रोवेव में गर्म ना करें। हमने आपको माइक्रोवेव से होने वाले नुकसान और बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में तो बता दिया, तो आगे से जब भी इसका इस्तेमाल करें इनका ध्यान जरूर रखें, तभी आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपका किचन फ्रेंडली कहीं विलन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। आपकी ये थिंकिंग जो है ये चेंज हो जाएगी और हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि सिक्के के दोनों पहलू क्या हैं। एक पहलू है सुविधा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा पहलू है उससे अवेयर तो रहिए, यही कोशिश है हमारी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हमारे दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं हमसे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। अशोक जी, क्या जानना चाहिएगा? जुड़ चुके हैं हमसे, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। अशोक जी, क्या जानना चाहिएगा? नमस्कार। सबसे तो पहले अशोक जी किसी को कहिए, या फिर आप कोशिश कर सकते हैं टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम है मैडम। मैं अशोक उपाध्याय जी। अशोक जी, अशोक उपाध्याय पाली राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है बत्ती जलाओ में। सवाल क्या है आपका? मैडम, ये जो पूछ रहा हूँ कि जो होटल में, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार भी करूंगा जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो होटल से जो खाना सब्जी पैक करा के लाते हैं प्लास्टिक के डब्बों में, तो क्या वो सब्जी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये आज की डेट में अगर अर्बन एरिया की देखी जाए डॉक्टर साहब, तो ये सबसे सुविधाजनक तरीका है। कॉल करने पे डब्बे में चीजें आती है, ठंडी होती है, हम माइक्रोवेव करते हैं, फटाक से खाने के लिए तैयार जी। ये जो डब्बे होते हैं बेसिकली इनकी कोई क्वालिटी इंश्योर तो होती नहीं है, और ये बीपीए फ्री नहीं होते हैं। जो एक प्लास्टिक में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है बीपीए, जो कि जब आप खाने में जैसे ऑयली फूड हो गया या कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि ऑयल से बनी होती है, तो ये बीपीए उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और आपके उसके साथ ही आपके खाने के साथ आपके पेट में चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये बीपीए अगर आम भाषा में कहें तो आम लोगों के लिए एक ऐसा पदार्थ है या फिर कह सकते हैं विषाक्त चीज है जो हमारे शरीर पे स्वास्थ्य पे अच्छा असर नहीं डालेगा। बिल्कुल जी, तो ये बात ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा सवाल किया है अशोक जी ने। अगर आप मान लीजिए टिफिन में खाना मंगाते हैं, तो जो होटल का डब्बा होता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब और चीप होती है, तो अगर आप गर्म भी कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, अगर अपने कांच के बर्तन या बोरोसिल में करें तो इम्पैक्ट कम होगा। बिल्कुल जी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली बार से माइक्रोवेव करें तो अपने बोरोसिल के बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर कांच का बर्तन, जो माइक्रोवेव सेफ होता है, बीपीए फ्री होता है। अगले दर्शक है नागौर से, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका बत्ती जलाओ में, नाम बताते हुए सवाल कीजिए। हेलो, ये किधर, सारस्वत नागौर से बोल रहा हूँ मैं जी। सारस्वत जी, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। ये माइक्रोवेव के अंदर अगर कुछ खाने की चीज ला करके कागज के बेग के अंदर, उसको क्या माइक्रोवेव में गर्म किया जा सकता है क्या? कागज की प्लेट जो होती है? हाँ जी। देखिए सारस्वत जी, जब आपने माइक्रोवेव खरीदा होगा, एक बुकलेट आती है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती है। माइक्रोवेव मोड में आप मेटल यूज नहीं कर सकते, एल्युमिनियम फॉइल यूज नहीं करते, और इवन कागज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा ये है कि उसका स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। डॉक्टर साहब,
चलिए इनके सवाल का एक अहम पहलू ये निकल के आता है, इससे पहले जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन की बात हुई थी, प्लास्टिक की चीजें जो कंटेनर जिसमें हम गर्म करते हैं, अच्छा अब उसके जगह अगर कागज या और कोई एलिमेंट भी यूज करें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए कागज़ वगैरह जो ये आप कह रहे हैं जो यूज़ करते हैं, तो कागज़ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एकदम प्योर क्वालिटी का कागज़ तो यूज़ नहीं करते, उसमें कार्बन वगैरह कुछ चीज़ होती हैं जो कि जब माइक्रोवेव रेज उससे पास होती हैं तो वो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करते हुए आपके खाने में जा सकते हैं। तो इट मे ऑल्सो इम्पैक्ट कि आपका जो खाना है उसकी क्वालिटी वो है वो ना रह जाए जो कि नेचुरली होनी चाहिए होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से देखिए दो चीज़ें एलिमिनेट कर चुके हैं हम शो में, जो आपके पैक फूड आते हैं होटल से सस्ते सफ़ेद वाले डब्बे में उसमें मत गर्म कीजिएगा, कागज या फिर कोई भी चमकीली चीज तो वैसे भी अलाउड नहीं होती, उसके बुकलेट में भी लिखा होता है जितनी भी चमकीले चीजें होंगी रिफ्लेक्ट करेंगी, स्पार्किंग हो सकती है, तो कोशिश कीजिए तो वो तो इंपॉर्टेंट है कि आप इस्तेमाल ही ना कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले दर्शक हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बत्ती जलाओ में। हेलो जी, आप शो से जुड़ चुके हैं सर, अपना नाम बताते हुए सवाल कीजिए। हेलो, अगर आप तक आवाज आ रही है तो स्वागत है आपका हमारे शो में, नाम बताइए सवाल कीजिए। जी मैडम नमस्कार, हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। हिम्मत जी स्वागत है आपका। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे इस माइक्रोवेव को यूज ही नहीं करें तो इस ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन, अगर आज की डेट में आप ऐसा कर पा रहे हैं तो समझिए आप सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बताई हमने, हमारी रिपोर्ट भी बताती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी, अगर नेचुरल वे में आप खाना बनाएंगे तो बेटर ही है हमेशा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और आजकल टाइम की कमी सबके पास है। बिल्कुल, आपका लकी होना जरूरी है कि आपको हर टाइम पे फ्रेश खाना बना के कोई दे रहा है, आपके पास ये सुविधा है, तो यकीन मानिए ये सबसे अच्छा तरीका है। शुक्रिया कहिए ऊपर वाले को और यकीनन आप बेहतरीन रिजीम पे हैं फूड के। आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, ये चीज तो हमने देख ली, सुविधाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम दर्शकों से कहें कि इस्तेमाल ना कीजिए तो वो भी कहेंगे कि ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि हम अवेयर होएं कि नुकसान हो सकता है और इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं। नुकसान को कम करने के लिए जैसे कि आपने बताया कि ग्लास के आप कंटेनर्स यूज करें कुकिंग के लिए, कोई भी चीज जब आप कुक करते हैं तो उसको बीच में स्टर करना जरूरी होता है, आप उसको कंटिन्यूअसली आप उसको हमेशा एक ही स्पीड पे चलने देंगे तो बीच का जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा वाइब्रेट होते हैं और ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, ज्यादा ओवरहीट होके उनमें म्यूटेशंस भी हो सकती हैं आपके नेचुरल फूड के अंदर। तो डॉक्टर साहब इसको अगर आम भाषा में समझा दें, अगर बहुत सारे टर्म हो गए शायद लोगों की समझ में ना आए, तो कंपन होते रहता है जो सबसे अणु होते हैं जिससे बनी होती है हर एक चीज, वो कंपन जो है कई बार चीजों का प्रकृति ही चेंज कर देती है खाने पीने की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल जी, चलिए हमारे एक दर्शक है डॉक्टर साहब उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइए। हेलो, हाँ राजेंद्र जी आपका स्वागत है। हाँ मैडम, बीकानेर से निवेदन है, नमस्कार डॉक्टर साहब को और आपको। जी नमस्कार, हाँ क्या जानना चाहिएगा, सवाल रखिएगा सर। हमारे पास है तो सही, उसमें कांच बर्तन का यूज करें तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब हम देंगे, उसके अलावा हमारे साथ एक और दर्शक है, हो सकता है मिलता जुलता सवाल हो तो समय बचेगा जी। नमस्कार जितेंद्र जी आपका सवाल। मैडम मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि जब से मतलब माइक्रोवेव आए हैं भारत में तो ये नहीं हो सकता कि कोई क्वालिटी में कोई सुधार लाके इसको यूज करे और बढ़िया रहे बेटर, क्योंकि आजकल जमाना टेक्निकल हो गया है जी। और टेक्निकल जमाने में बहुत फास्ट, हर एक को कुछ ना कुछ बहुत जल्दी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं घर पे आता हूँ लंच टाइम 1-1.30 बजे आता हूँ, आधे घंटे में मुझे खाना जल्दी गर्म खाना चाहिए। बिल्कुल 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 जितेंद्र जी, राजेंद्र जी आप दोनों जन के सवाल ना बहुत मिलते जुलते हैं और बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, बहुत अच्छा किया जो आपने कॉल किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब वैसे हमने कंक्लूड कर दी है, मतलब दोनों चीजें ऐड की है, मिला के बता देते हैं कि इंपैक्ट कम कैसे करना है। जैसे कि पहला सवाल था कि कांच के बर्तन, जी कांच के बर्तन बेटर होते हैं प्लास्टिक के बर्तन से, अगर प्लास्टिक के बर्तन भी अगर क्वालिटी के हों जैसे कि बीपीए फ्री वगैरह हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप खाना कह रहे थे कि जल्दी से क्विकली चाहिए होता है हमको, आधे घंटे के अंदर बनाना होता है, तो आप ज्यादातर उस खाने में ऑप्शन चूज करते हो रीहीट करने के लिए, पहले से आपका खाना बना हुआ होता है और आप उसको फिर से गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हो, जो कि काफी अपने आप में गलत चीज है, क्योंकि उससे खाने की क्वालिटी ज्यादा खराब होती है। ऑलरेडी खाना कुक्ड होकर उसमें विटामिन थोड़े कम हो चुके होते हैं और माइक्रोवेव आप जब आप उसको करते हो तो विटामिन की मात्रा और घट जाती है उसमें से जी। तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अभी नहीं आई है। हाँ आप माइक्रोवेव को थोड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम से कम हर्ट्स पे रखें,
उसकी मेगाहर्ट्ज जो होती है जो 400-800 जो होती है उसको कम से कम रखें। और थोड़ा ये कैसे संभव है डॉक्टर साहब, क्या ये फैसिलिटी होती है? बिल्कुल, ये आजकल के नए माइक्रोवेव में फैसिलिटी होती है कि आप माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी घटा सकते हो, लेकिन उससे आपके खाने को जो कुक करने में टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जी, तो यहाँ पे भी दिल पे हाथ रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए अगर अच्छी सेहत चाहते हैं आप। डॉक्टर साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट, एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी ऐड की है कि कभी भी माइक्रोवेव अगर कोई नया खरीद रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी की जानकारी ले लीजिएगा। जरूरी है कि भले थोड़ा सा समय लगे, सेहत के लिए अच्छा हो। दोबारा खाना गर्म करने से बचिएगा, कोशिश कीजिए कि अगर चीजें हैं तो उनको फिर से पका ली जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। नितिन, आपका स्वागत है बत्ती जलाओ में, सवाल कीजिए। मैम, जो ये सब फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां होती है कहती है कि भाई रेडीमेड सब्जी आप इसको अपने घर पे लाइए और सब्जी बना करके गर्म करके खाइए, तो ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है? जैसे हम मिराज के पराठे आते हैं, बोले घर जैसा स्वाद है, वो पराठे तो कितने दिन पहले बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये मालूम होता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या सही बात है, ये सही चीज है गलत चीज है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर साहब। जी, ये चीजें उन लोगों के लिए बनी है जो कि ट्रैवल करने आते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। जैसे आप कहीं बाहर दूसरे विदेश में जा रहे हैं और आपके पास खाने के लिए वहां पे सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनको उसी तरह से रखने के लिए, नेचुरल फॉर्म में रखने के लिए कुछ चीजें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि ये सड़े नहीं। और जब आप उनको माइक्रोवेव करते हो तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कुछ ज्यादा रह नहीं जाती, वो स्वाद के लिए रह जाते होंगे डॉक्टर साहब। केवल वो स्वाद के लिए रह जाता है, उसमें मात्र कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रह जाते हैं, विटामिन वगैरह तो कुछ रहते नहीं है। तो समझिए, वो पराठा आपका, बाहर के पिज्जा जितने ही बिल्कुल हो जाते हैं, वो बस स्वाद के लिए आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि कभी कभार आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक दो दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी तो वैसे रेगुलर तो ये कभी लेना ही नहीं चाहिए, तो सेहत के लिए वो इस्तेमाल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, जोधपुर से कांतिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांतिलाल जी, बत्ती जलाओ में आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। जी कांतिलाल जी, नमस्कार। कांतिलाल जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो सीधे सवाल कीजिएगा सर। नहीं, हमारा संपर्क टूट रहा है, अब फिर से कोशिश कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें आ गई हमने, अब तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई अभी माइक्रोवेव खरीद रहा है या फिर ये फैसिलिटी हो तो अपनी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वो जरूर चेक करा ले। दूसरे की अगर कांच के बर्तन में आप गर्म करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। अब तो वैसे देखिए ना, मार्केट में कांच के ऐसे कंटेनर आ गए, टिफिन आ गए जो कांच के कंटेनर होते हैं, ताकि आप माइक्रोवेव कीजिए। जी अच्छा, अब एक और जो आपने, आप ही ने बताई वो इम्पोर्टेंट चीज की, चीजों को चलाते रहना है। अगर आपने गर्म करना है तो बीच बीच में उसको चलाते रहिए, भूल मत जाइए, थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी सेहत के लिए। और तीसरी अच्छी चीज ये है, बीपीए के बारे में आपने बताया। मार्केट में आजकल कंटेनर देखिए 30 रुपए 20 रुपए 10 रुपए से शुरू होते हैं और वो हजारों में भी मिल रहे हैं, पता कैसे लगा? ये जो क्वालिटी उस पर लिखा होता है, जो आप भी जब भी कंटेनर खरीदते हो उस पर लिखा होता है कि ये बीपीए फ्री है, तो आपको भी लेना होता है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए बॉटल भी जब हम खरीदते हैं दूध की, तो उस पर लिखा होता है दिस इज बीपीए फ्री, तो ऐसे ही आपके जो माइक्रोवेव के जो कंटेनर्स होते हैं उन पर लिखा होता है बीपीए फ्री है। और अगर आपको पता लगाना है कि रिसाइकल करने, या फिर उसका पता होता है क्या कि जैसे बोतल को या फिर प्लास्टिक के बर्तन को पीछे पलटिए तो ट्रायंगल में कुछ नंबर मेंशन होते हैं, ये अगर आपने नोटिस किया, कोई भी बोतल उठाइए या प्लास्टिक का बर्तन, तो त्रिकोण के अंदर कुछ नंबर मेंशन होते हैं, डॉक्टर साहब उससे पता चलता है बीपीए? बिल्कुल जी, उससे पता लग सकता है, आप पैकेजिंग से पता कर सकते हो कि ये बीपीए फ्री है कि नहीं। ऊपर से भी कई बार ऐसे लेबलिंग हो जाती है, तो फिर इसलिए आप उस पे ट्रायंगल देख के ये जज कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि अगर माइक्रोवेव करने के लिए डब्बा है तो डब्बे का बीपीए कितना है, जरूर बीपीए फ्री है कि नहीं पता जरूर कर लीजिएगा, ये सुविधा के साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा। कमलेश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे शो में आपका स्वागत है। कमलेश जी, सवाल कीजिए। कमलेश जी, आप शो से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है बत्ती जलाओ में, सवाल कीजिए। हेलो जी, कमलेश जी आवाज आ रही क्या? हेलो कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा सर, और दर्शकों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर टीवी का वॉल्यूम आप कम करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत आसान होगा, आपके लिए भी आसान होगा, आपके सवाल हमारे लिए बेहद अहम है, मायने रखते हैं। चलिए, दीप सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो से। दीप सिंह जी, आपका स्वागत है बत्ती जलाओ में, सवाल कीजिए। और सर डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी।
सर आप जिस तरह आप इस तरह ये भारत में कुछ इस तरह डॉक्टराइज में जवाब दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर एक आपसे पहले जितेंद्र जी ने एक सवाल किया था कि आज का टेक्नीशियन युग है उसमें अपने को बहुत फास्ट अगर करना है तो उसके बारे में जो आप बता रहे थे सर कि उसे माइक्रोवेव में भी अच्छी क्वालिटी लेनी चाहिए, क्वालिटी आती है फ्रीक्वेंसी चेक करना पड़ता है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक बहुत अच्छा पसंद किया। उसका मुझे ये जवाब चाहिए कि ये कौन से क्वालिटी से कौन से कंपनी तक ब्रांड तक सीमित है। डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे, बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले देखिए हम किसी ब्रांड का नाम या फिर हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे शो का एकदम अहम क्लियर एजेंडा यह है कि आप कोई भी ब्रांड लें उसके बीपीए फ्री होने की अश्योरिटी जरूर ले लें। इस सवाल का जवाब यही होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, क्योंकि हम ब्रांड का नाम मतलब आप कोई भी माइक्रोवेव किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं। आपको इंक्वायर करना है कि इसमें मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये कन्वेक्शन हो सकता है कि नहीं, इसमें रोटेट होती है कि नहीं होती है प्लेट, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल, और ये खरीदने से पहले आपका पूरा हक है जानकारी लेना कि आप ये सारी फैसिलिटी दीजिए, क्योंकि हाँ सुविधा है लेकिन हमारी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे, हमारे अगले दर्शक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में, नाम बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी, आप शो से जुड़ चुके हैं सर, अपना नाम बताते हुए सवाल कीजिए। मेरा नाम एल टी व्यास है मैडम। व्यास जी स्वागत है, जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको काम में लेता है माइक्रोवेव को, तो उसमें किसी तरह की ये इतनी जो आप हानियां बता रहे हो वो तो हानियां हो नहीं रही है, फिर इतना हमें क्यों आप डराए जा रहे हो माइक्रोवेव? हम आपको डरा नहीं रहे सर, यही तो बताया हमने शो की शुरुआत इसीलिए की कि हम डरा नहीं रहे, बस ये है सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पता होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली भी देखिए तो कैंसर का आप भी मानते होंगे कि इतना चलन या इतनी सुनाई नहीं देती थी चीजें, या फिर बीमारियां जो ऐसी चीजें जो पहले नहीं थी अब आज की डेट में है, तो क्या क्या चेंज हुआ है, उस चेंज में माइक्रोवेव भी हो सकता है। उसी आधार पर ये रिसर्च की गई है, रिपोर्ट बनाई गई है, ये हमारी कोई पर्सनल रिपोर्ट नहीं है, ये तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये सारी खोज की गई है और आपके सामने रखी गई है। और हमारा एजेंडा ये है कि इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उससे होने वाले दुष्परिणाम हैं उसके बारे में पता होना, दूसरी चीज कि जो उससे होने वाली हानियां हैं कम करने वाली चीजों को जरूर पता लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, जैसे कि आपको ये केवल आपको ये अवैध कराया जा रहा है कि इसके के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, कि आप कुकिंग ठीक के तरीके से करें तो फिर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, अगर आप सही तरीके से अपनी चीजें बना रहे हैं और उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने चार बार ये बता दिया कि बीपीए फ्री होना चाहिए, कांच का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, बीच बीच में चलाते आप रॉ सब्जियां कुक करें, उसमें कुक करें, बार बार गर्म ना करें उसके अंदर चीजें। चलिए तो डॉक्टर साहब, अगर अब समय की लिमिटेशन है, जाते जाते मैं आपसे कुछ कमेंट चाहूंगी, जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने बताया जो शायद ही कम लोग ज्यादा लोगों को पता हो। जी बिल्कुल, आजकल लोगों को पता नहीं है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है माइक्रोवेव में वो आप एडजस्ट कर सकते हो, एक बटन के द्वारा ही आप सेलेक्ट कर सकते हो 800 400 200 करके फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे सेफ क्या है? जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, ज्यादा कुकिंग को समय लगेगा आपका जितना फ्रीक्वेंसी कम करोगे, और खाना उतना ही ज्यादा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ज्यादा मेल्ट कर जाए, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे आप ज्यादा देर कुक करोगे तो खाना थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मेल्टेड है, तो ये एक तरह का वो होता है जो आपको खुद जज करना पड़ेगा इस्तेमाल करके कि आपको कितनी देर उस फ्रीक्वेंसी पे पकाना है। जी, और डॉक्टर साहब ये अच्छा ऑप्शन है कि कभी आप पकाइए और इस्तेमाल में बैलेंस बनाए तो सही रहेगा। बिल्कुल जी, तो एकदम डिपेंडेंट मत होइए, थोड़ा विवेक के साथ इस्तेमाल कीजिए, नुकसान बहुत कम होगा, बस जरूरी है कि हम अवेयर रहें और चीजों के बारे में जाने। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि सिक्के के दो पहलू हैं, जहां डार्कनेस है वहां हम बत्ती जलाते हैं और आपको बताते हैं। अब ये आपका फैसला है, ये आपका विवेक है कि चीजों का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, और करना है तो किस तरह से करना है, ये आपका विवेक है। इसी के साथ हमारे शो में इतना ही, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।